सो है आज हम ब्लैक पेपर के ऊपर सॉफ्ट पेंसिल को यूज करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पेपर को स्टेबल करने के लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगाया है एंड देन मैंने यहाँ पे एक स्टेंसिल कट कर लिया है पेपर का ही और उसे भी मैं मास्किंग टेप से स्टेबल कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया है येलो कलर, फिर उसके बाद ऑरेंज, एकदम लास्ट में मैं यहाँ पे डार्क ब्लू यूज करूंगा। ऊपर के साइड में यहाँ पे ग्रीन कलर और ब्लू कलर दे दूंगा। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट पेंसिल को पाउडर फॉर्म में लिया है। आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं सॉफ्ट पेंसिल को स्क्रैच करके। इसके बाद मैं यहाँ पे फिंगर से ब्लेंड करूंगा सॉफ्ट पेंसिल को एंड नीचे के साइड में मैं यहाँ पे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू यूज करूंगा वाटर के लिए। इसे मैं फर्स्ट टाइम ब्लैक पेपर के ऊपर यूज कर रहा हूँ तो ये रिजल्ट थोड़ा सा फीका फीका दे रहा है, मतलब कलर्स उतने ऊपर के नहीं आ रहे, बट हम एंड तक देखेंगे कि ये ड्राइंग कैसा बनता है। सीनरी में बाकी के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से थोड़े से माउंटेन्स ट्रीज को दे दूंगा, फिर उसके बाद हाइलाइट्स को मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से दे रहा हूँ, एंड में मैं यहाँ पे व्हाइटनर यूज करूंगा स्टार्स को बनाने के लिए। सो हमारा ड्राइंग कम्प्लीट हो चुका है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।